नमस्कार, स्वागत है आपका आईएनएन 24 पर और आपके साथ मैं हूं प्रीति सिंह। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता की गाड़ी को हाईवा से टक्कर मारने के प्रयास मामले में सोमवार को पंडरा मोड़ स्थित भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में विधायक अपर्णा सेन गुप्ता के अलावा भाजपा के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। विधायक ने वार्ता में कहा कि एक नाबालिग बच्चे से हाईवा चलाना ही एक जुर्म है। हमने इसके लिए जांच की मांग की है। जांच में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जामताड़ा रोड में चलने वाले सारे हाईवा चालक के लाइसेंस की जांच होनी चाहिए तथा वैसे चालक जो हाईवा चलाने की अनुमति मिले या दी जानी चाहिए जिसके पास हैवी वाहन चलाने का लाइसेंस तथा अनुभव प्राप्त हो, अनुभवी ड्राइवर को ही रखा जाए तथा महीना में 2 बार जिला परिवहन पदाधिकारी से आसंगिक जांच कराया जाए, मतलब अचानक जांच कराया जाए। जांचों उपरांत फर्जी लाइसेंस से चलने वाले ड्राइवरों एवं हाईवा को हमेशा के लिए ब्लैकलिस्टेड किया जाए, ये मेरा मांग है। ये जो लाइसेंसधारी कल जो हम देखे कि एक बच्चा जो 18 साल भी नहीं है और उतना बड़ा गाड़ी जो चलाने दे रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हमको नहीं लग रहा है कि अगर हाईवा मालिक लोग इस तरह का अगर छोटा बच्चा से गाड़ी चलाएगा तो आए दिन इस तरह से घटना घटेगा और ये कहीं से उचित नहीं है। तो मेरा इसमें मांग है कि हैवी लाइसेंस और अनुभवी ड्राइवर हर गाड़ी में रहे, हर हाईवा में रहे, ये मेरा मांग है। और अगर दोषी पाए जाने पर जांचों उपरांत दोषी पाए जाने पर हम लोग मांग करते हैं कि ड्राइवर और जो गाड़ी है, जो गाड़ी मालिक है, उसको ब्लैकलिस्टेड किया जाए। और खलास हाईवा नशे की धुत होकर नशे की हालत में हाईवा का जो परिचालन करने वाले ड्राइवरों की जांच मशीन द्वारा किया जाए एवं पकड़े जाने पर हाईवा एवं ड्राइवर को हमेशा के लिए ब्लैकलिस्टेड किया जाए, ये तो होना ही चाहिए। हम लोग लगातार MPL को हम लोग बोले हैं कि आप बीच बीच में, सिर्फ गेट में ही नहीं, बीच बीच में गेट में कराइए, फिर सिंदरी मोड़ में कराइए, पांडा मोड़ में कराइए, खुदिया फाटक में कराइए, कि ये नशा की हालत में ये गाड़ी चला रहा है क्या। तो इस पर भी हम लोग बोले हैं, आज तक उस पर कोई व्यवस्था नहीं किया गया है और जिसके चलते इतना बड़ा घटना घट रहा है। हम मांग करते हैं कि इमीडिएट मशीन नशा जांच करने का मशीन लगाया जाए और जो दोषी पाया गया उस ड्राइवर का, जो गाड़ी का ड्राइवर है और मालिक है, उस पर इमीडिएट कार्रवाई हो, उस गाड़ी को ब्लैकलिस्टेड किया।